हेडिंग डालेगा आपका ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर। हम क्या हो रहा है हमारे पास, ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए इस तरह का एक फ्लास्क दे रखा है, ओपन है, तो यहां आपके पास जो गैस है वो बाहर जाएगी, अचानक ओपन किया गया है। अब यहां जो चीज रह सकता है वो एक पॉइंट है, पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल ही रहेगा क्योंकि ओपन है, तो यहां कितना रहेगा, पी एक्सटर्नल 180 फिक्स है। क्या इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो? हाँ, हीटिंग करके। तो ये हीटिंग करके आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। तो टी इंटरनल टी एक्सटर्नल से ज्यादा होगा, ये रख सकते हो, या बराबर होगा अगर हीटिंग नहीं कर रही है तो। बाकी सब चीजें एज इट इज चलेगी। तो देखिए, जब आप इसको हीटिंग करोगे तो यहां टेम्परेचर चेंज होगा और मोल चेंज होंगे, तो किसको फॉलो करेगा, टी प्रोपोर्शनल लाइन। क्यों? क्योंकि वी भी कांस्टेंट है यहां पर, यानी इस कंटेनर को गर्म कर रहे हो तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नहीं। तो ये सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करेगा और वो है टी प्रोपोर्शनल एन। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं टी वन अपॉन एन वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन एन टू। अगर मुझे इनिशियल मोल दिए जा रहे हैं और इनिशियल टेम्परेचर दिया जा रहा है और फाइनल टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो क्या फाइनल मोल मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, जनरली मेरे को एन टू पूछा जाता है जो कि एन वन टी टू बाय टी वन होता है। कोई डाउट नहीं है। अब ये जो एन टू है ये बाहर जाके कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा वो देखा जाए, या कितनी एयर डिस्पेस करेगा, एयर डिस्पेस। तो वी इक्वल टू क्या लिखते हो आप, एनआरटी बाय पी, एनआरटी बाय पी निकालना है। यहां एन कौन सा रखा जाए? देखो, शुरुआत में एन वन मोल थे, अब कितने रह गए, एन टू। तो बाहर जाने वाले मोल रखने पड़ेंगे, तो ये एन जो होंगे एक तरह से एन होंगे जो एस्केप हुए हैं या लिबरेट हुए हैं, आर टी बाय वी। एन लिबरेट कैसे निकालोगे, एन वन माइनस एन टू करोगे। पहले तो कंटेनर में पहले कितने थे, अब कितने हैं, ये बाहर गए, और फिर क्या करोगे, आर से मल्टीप्लाई करोगे। टेम्परेचर क्या लोगे, आउटसाइड। वॉल्यूम क्या लोगे, ये तो निकालना ही है। तो एन आर टी बाय एन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय पी, और पी कितना रहेगा आउटसाइड का, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड। तो ये जो वी रहेगा इस जगह, पी रहेगा आउटसाइड, वो कितना रहेगा 180। इस तरह से आप निकालोगे, समझ में आई बात है? तो ओपन कंटेनर का मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर ये तीन कंडीशंस लग रही हो, और एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है कि बताइए गर्म करने पर उसने बाहर कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, एयर के वॉल्यूम को, तो वो आपके पास ही आ जाएगा। एक बार और समझाना है, करिए फिर। इनडायरेक्टली में जो ये गैस है ये बाहर जो निकल रही है ना, ये वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, वी एयर डिस्पेस वॉल्यूम ये कहलाता है। एयर डिस्पेस वॉल्यूम, तो जब ये एयर डिस्पेस वॉल्यूम आएगा तो इसको निकालने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ी है यहां से लेके यहां तक। इसमें अब कौन सी गैस आ जाएगी, जो पहले यहां एयर हुआ करती थी, अब ये यहां पर ये वाली जो गैस है वो जा रही है, और उसके लिए आपने पूरी मेहनत की है।
हेडिंग डाल लीजिए आप इस जगह, ब्रस्टिंग टाइप कंटेनर। देखो ब्रस्टिंग टाइप कंटेनर में वो सारे कंटेनर आएंगे जो ब्रस्ट हो सकते हैं यानी ब्लास्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक प्रेशर तक बियर करेंगे और फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। तो इसमें मैं दो तरह के एग्जांपल लूंगा, फर्स्ट बैलून, बैलून टाइप कंटेनर, और दूसरा लूंगा मैं टायर टाइप, यानी ट्यूब, साइकिल की जो ट्यूब होती है वो कंटेनर। तो सही है, चलो करो बैलून टाइप कंटेनर। बैलून कैसा होता है, ऐसा बैलून हो गया, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, क्या इसके अंदर प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर होता है इंटरनल, वो किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल। दूसरा वॉल्यूम इस जगह किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल के। और एक लिमिट के बाद वॉल्यूम बढ़ने के साथ ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू वी मैक्सिमम से ज्यादा हो गई तो ब्रस्ट हो जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम लिमिट दी जाती है, उससे ज्यादा होते ही वो ब्रस्ट हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा भी हो सकता है, मोल कांस्टेंट हुए तो वी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टी के। और इस जगह वी वी मैक्सिमम से हो गया ऊपर तो भी ब्रस्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज है जो कांस्टेंट है और वो है इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एग्जाम्पल मान लीजिए ये दो बैलून है, अलग अलग बैलून है दो, इसका वॉल्यूम छोटे वाले का वॉल्यूम दे रखा है शुरुआत में V इक्वल टू 600 ml ले लो, और बाहर वाले का कितना ले लेते हैं हम, V इक्वल टू 1500 ml, सही है। इसका V मैक्सिमम दिया गया है आपको 1800 यानी 1800 ml, और इसके लिए V मैक्सिमम दिया गया है 800 ml, और कहा जा रहा है विच ब्रस्ट फर्स्ट ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजेस टेम्परेचर, विच बैलून ब्रस्ट फर्स्ट इफ टेम्परेचर ग्रेजुअली इनकेसेस। तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे आप, एज्यूम इनर बैलून ब्रस्ट फर्स्ट। अगर इनर को हमने पहले मान लिया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मान यहां पर वॉल्यूम हमारे पास कितना है 600, और टेम्परेचर टी मान लिया। अब वी मैक्सिमम तक लाने के लिए जो कि 800 है, टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8/6 यानी 4/3 है, तो टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा इनिशियल का। टी इनिशियल टी मान लिया तो टी फाइनल आपके पास कितना हो जाएगा, इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 10। कोई दिक्कत, जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी रेशियो में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उस समय आउटर वॉल्यूम, आउटर बैलून के साथ क्या हो रहा होगा देखते हैं। आउटर वॉल्यूम, आउटर बैलून वॉल्यूम वी कितना दे रखा है 1500, टी इनिशियल उसका भी टी है, वी मैक्सिमम हमें निकालना है, अब
वी क्या होगा उसका, हमें नहीं मालूम वी मैक्सिमम है या नहीं है इस जगह, जब टेम्परेचर आपके पास कितना हो जाएगा टी इनिशियल 4/3, तो ये हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 4/3, क्या वैल्यू आएगी ये 3500 2000 केल्विन आ जाएगा, एमएल आएगा सॉरी। तो इसका मतलब वो तो पहले ही ब्रश हो चुका है 1800 में, तो इसका मतलब जब इसका वॉल्यूम 800 होगा इसका कितना होगा 2000 होगा, तो 2000 होने से पहले ही ब्रश हो चुका होगा क्योंकि उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या दे रखा है 1800। तो इसका मतलब जब पहला वाला ब्रश होगा उससे पहले तो सेकंड वाला पहले ही हो चुका है क्योंकि उसका 1800 पे हो चुका है, 2000 तक जाएगा ही नहीं वो, तो हमने जो एज्यूम करा है वो गलत हुआ इसका मतलब। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, तो इससे मतलब हुआ आपके पास इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन वी मैक्सिमम। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, आउटर बैलून बर्न ब्रस्ट फर्स्ट, को समझ में आई बात, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये तो रहा हमारा बैलून टाइप कंटेनर, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा टायर टाइप, टायर टाइप कंटेनर। टायर टाइप कंटेनर ये क्या है, टायर टाइप कंटेनर देखो, आप टायर को बनाओ, ट्यूब टायर, ट्यूब टायर लिख लो पूरा, ट्यूब टायर टाइप कंटेनर, ये ट्यूब आपके पास हो गया सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, ये दो तरह से ब्रस्ट हो सकती है बस, पहली चीज इसके अंदर पी इंटरनल जो प्रेशर होता है वो पी एक्सटर्नल से बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, पहली चीज, जबकि बैलून में हमेशा बराबर ही होगा, बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ब्रस्ट हो जाएगा, ट्यूब थोड़ी मोटी रबड़ की बनती है तो वो स्ट्रेंथ को झेल सकती है, और जो वॉल्यूम होता है वो तो अपने हिसाब से चेंज होता है, तो इस जगह प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकते हैं सही है, और वॉल्यूम जो प्रोपोर्शनल है यानी कुल मिला के पी वी प्रोपोर्शनल है वो एन आर टी के प्रोपोर्शनल है, जनरली टी कांस्टेंट रखते हैं तो पी वी प्रोपोर्शनल एन हो जाता है। जैसे जैसे ट्यूब के अंदर हवा भरते हो आप, पी भी बढ़ता है और वी भी बढ़ता है, समझ में आ रही है बात, तो पी भी बढ़ रहा है और वी भी बढ़ रहा है। ये ब्रस्ट तभी हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, अगर P की वैल्यू P मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए जो उसकी कैपेसिटी है, या V की वैल्यू V मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, तो ब्रस्ट तो कराना है, तो जब ब्रस्ट हो रहा है तो हमसे ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि बताइए किसकी वजह से हुआ है, P की वजह से या V की वजह से। तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन करते वक्त मान लीजिए ब्रस्ट वॉल्यूम की वजह से हुआ है और वी को वी मैक्सिमम रख देते हैं और पी निकालते हैं एनआरटी रख के, समझ में आ रहा है, और वॉल्यूम की वजह से हमने पी निकाला, पता चला पी की वैल्यू पी मैक्सिमम से ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब वो पहले ही ब्रस्ट हो चुका है पी मैक्सिमम की वजह से, और नहीं आया तो वी मैक्सिमम की तरह से ब्रस्ट हुआ है। तो इस तरह का कंसेप्ट बन सकता है बस, और कुछ भी नहीं, कि किसकी वजह से ब्रस्ट हुआ है बस, ये हमारे पास लॉजिक बनता है इसमें। देखो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर, और टाइप्स ऑफ कंटेनर में हम बात कर रहे हैं सिलेंडर टाइप कंटेनर में, तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए सिलेंडर टाइप कंटेनर, इनकी खास बात क्या होती है कि पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दे आर रिजिड इन नेचर, दे आर रिजिड इन नेचर, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, रिजिड का मतलब वॉल्यूम फिक्स, हार्ड होते हैं, मेटल के होते हैं, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट,
जैसे घर में आपने सिलेंडर देखा है, ऐसा होता है। सही है क्या? बताइए, जब गैस खत्म हो जाती है घर में, तो हम क्या सिलेंडर की साइज छोटी होती है या बड़ी होती है? वही रहती है, वही रहती है। तो रिजिट है ये, रिजिट है। यहां वॉल होता है और ये रिजिट कंटेनर है। रिजिट सिलेंडर, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो क्या यहां पर मोल चेंज हो सकते हैं? हाँ, अगर वॉल खुल गया तो मोल बाहर निकल जाएंगे। प्रेशर चेंज हो सकता है? हाँ, सही है। तो मोल पीवी इक्वल टू एनआरटी में ऐसी क्या चीज है जो कांस्टेंट है? जनरली टेम्परेचर कांस्टेंट है और वी कांस्टेंट है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एन। ठीक है, तो ये इसके ऊपर लिखा है इंडियन आई एन टी। एचपी का लिख लो तुम, इंडियन होता है। ठीक है, भारत भी लिख सकते हो, एचपी लिख सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप ये बताइए, जब सिलेंडर हम बोलते थे खाली हो गया, तो क्या वास्तव में पूरी तरह से गैस बाहर निकल गई? नहीं। तो एम्प्टी सिलेंडर का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सिलेंडर का मतलब होता है कि उसमें से गैस बाहर नहीं आ पा रही है। एम्प्टी सिलेंडर का मतलब ये, गैस नॉट रिजेक्ट या इजेक्ट या लिबरेट, कैन नॉट लिबरेट और रिजेक्ट इज। और ऐसा तभी हो सकता है जब पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल हो जाए, और पी एक्सटर्नल क्या है? 1 atm। कोई दिक्कत नहीं है, श्योर, लॉक कर दिया जाए। तो अब इस पे क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं? इस पे दो तरह के एग्जाम्पल मैं कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट फर्स्ट ये है आपके पास, आपको कुछ इस तरह का दिया गया है, एक सिलेंडर है, ए सिलेंडर हैव 20 लीटर वॉल्यूम, 20 लीटर वॉल्यूम विद विद 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर। विद 1 atm प्रेशर, ये हमारे पास अभी तक एक छोटा सा पॉइंट हुआ कि एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम आपको 20 लीटर दिया है और प्रेशर कितना दे रखा है अंदर? 1 atm। तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। क्वेश्चन मेरे हाथ में, मैंने 10 atm रख दिया, विद 10 atm प्रेशर। वॉल लगने की वजह से बाहर गैस नहीं निकल रही है, ठीक है। विद वॉल सिस्टम एट 300 केल्विन टेम्परेचर, यानी हमने रूम टेम्परेचर ले रखा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, देन कैलकुलेट हाउ मेनी बैलून फिल्ड विद दिस सिलेंडर इफ ईच बैलून हैव 1 लीटर वॉल्यूम विद 1 लीटर वॉल्यूम। अब आप बताइए कैसे करेंगे? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं पहले दिमाग में इसकी इमेज बनाऊंगा एक। यहां बताइए 10 atm प्रेशर था और 10 लीटर था, बोलो यस और नो। इनिशियल में 10 atm, 20
20 लीटर, कोई दिक्कत? अब क्या किया है, जब वॉल खोल के मैंने बैलून बनाना शुरू किया, सुनिए मेरी बात, तो वॉल्यूम आज भी हमारे पास 20 लीटर रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा अंदर का, आप 1 atm, इससे कम नहीं कर सकते आप वॉल खोल के, 1 atm, तो ये प्रेशर क्यों कम हुआ है, क्योंकि गैस बाहर निकली है, कहां निकली है, बैलून में गई है, 1 atm से बाहर, जैसे ही 1 atm हो गया गैस बाहर आना बंद हो जाएगी, तो गैस कहां गई है, बैलून में, तो मान लीजिए ये बैलून है, 1, 2, 3 और n नंबर ऑफ बैलून्स आ जाएंगे, और हर एक का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, और प्रेशर कितना होगा, 1 atm 1 atm 1 atm, इससे ज्यादा बैलून बियर ही नहीं कर सकता, सिलेंडर कर सकता है क्योंकि वो रिजिड है, बैलून नहीं कर सकता क्योंकि वो रबड़ है, आ गई बात समझ में? तो अब आपके पास क्या होगा, शुरुआत में कितने मोल है, एन इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल लगाओगे, एन इनिशियल कितने मोल है आप तो ये बताओ पहले, PV अपॉन RT, फाइनल कितने हैं आपके पास, एन फाइनल PV 20 × 1 / RT प्लस एन बैलून है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बैलून में क्या है PV यानी 1 × 1 / RT, एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल, बोलो लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, हाँ या ना, एन इनिशियल अपॉन एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल करते ही आपके पास ये RT RT तो क्रॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 220 इधर आएगा प्लस एन रह जाएगा कैपिटल एन, तो बताइए एन की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, 180, जल्द इज दैट क्लियर, जल्दीबाजी में बच्चा क्या आंसर लिख के आएगा इसका मालूम है, 200, क्यों, क्योंकि उसे लगेगा 20 × 10 200, 200 एक का 1 आएगा तो 200 से कितने बैलून जनरेट होंगे, 200, उसे ध्यान नहीं रहा कि सिलेंडर में से गैस कब निकलना बंद हो जाएगी, जब 1 atm आ जाएगी, गैस तब तक निकलती रहती है जब तक इंटरनल प्रेशर आउटर प्रेशर से ज्यादा है, इसका आंसर जाएगा 180, तो छोटी छोटी बातें इनको पकड़ना सीखें, लिखें इसको,